और बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल राजभवन में यौन शोषण आरोप से जुड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ऑर्डर दे दिया, आदेश आ गया है। कोलकाता पुलिस से राजभवन स्टाफ को बात नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। राजभवन मुख्य बिल्डिंग में राज्य पुलिस की एंट्री नहीं होगी। राज्यपाल सीवी आनंद बोस अभी केरल में है और उनका ये आदेश आया, उनका ये निर्देश आया है, जिसमें राजभवन स्टाफ कोलकाता पुलिस से बात न करे ये कहा गया है। राजभवन मेन बिल्डिंग में पुलिस की एंट्री नहीं हो सकेगी, ये राज्यपाल का आदेश आया है। जो राज्यपाल हैं सीवी आनंद, वो अभी केरल में हैं, लेकिन उनकी तरफ से इस मामले में बड़ा आदेश आ गया है। दरअसल बंगाल राजभवन यौन शोषण से जुड़ा हुआ यह मामला, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की तरफ से निर्देश आए हैं। कोलकाता पुलिस से राजभवन स्टाफ को बात नहीं करने के निर्देश जारी किए गए हैं। राजभवन मुख्य बिल्डिंग में राज्य पुलिस की एंट्री भी नहीं होगी, ये भी कहा गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की तरफ से बड़ा आदेश आ गया है इस मामले में, यौन शोषण केस में। जब तक जांच का सिलसिला आगे नहीं बढ़ता, तब तक इस मामले में निर्देश ये दिए गए कि राजभवन स्टाफ को बात नहीं करने के निर्देश जारी हुए। साथ ही राजभवन मुख्य बिल्डिंग में राज्य पुलिस की एंट्री भी नहीं होगी, ये भी राज्यपाल की तरफ से दिशा निर्देश हुए हैं। राज्यपाल सीवी आनंद इस वक्त केरल में मौजूद हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं इस केस में। और क्या कुछ कहा गया है, हम अपने सहयोगी को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बंगाल राजभवन यौन शोषण से जुड़ा हुआ ये मामला, शांतनु सेन सांसद हैं टीएमसी से, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शांतनु जी, बड़ा आदेश दे दिया है राज्यपाल की तरफ से कि अब स्टाफ से अभी पुलिस बात नहीं कर सकेगी, इस केस में एंट्री नहीं होगी पुलिस की। देखिए, पहली बात तो है, हम थोड़ा सुधार देना चाहते हैं कि हम इमीडिएट पास्ट एमपी है, मेरा एमपी 10 ईयर खत्म हो गया, मैं टीएमसी का स्पोक्स पर्सन हूँ। दूसरा बात है, ये राज्यपाल जो यहाँ पर बैठे हुए है, वो शुरू से ही हम लोग देखा है कि जो बीजेपी का स्पोक्स पर्सन जैसा काम करता है। अभी इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकता है, जब संदेश खाली लेके जो एक पोर्ट्रेट ड्रामा है इसको लेके जब राज्यपाल बात करते हैं, और उनका अपना ऑफिस में खुद एक वर्किंग लेडी है, तो उनके खिलाफ मोलेस्टेशन का आरोप लेके थाने में पुलिस कंप्लेंट किया है। ये हमको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ स्पेशल रेस्ट्रिक्शन है वहाँ पर कुछ क्रिमिनल केस करने के लिए, लेकिन पुलिस में जब कंप्लेंट हुआ है, पुलिस मिनिमम इंक्वायरी भी नहीं कर पाएगा। इसके लिए राज्यपाल सबको डरा रहा है कि पुलिस के सामने मुंह मत खोलो। ये बहुत दुख की बात है, हमको लगता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होके एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहा है, ठीक है। और सबसे मजा की बात है, इस घटना घटने के बाद जो पहले कहा था कि हम चुनाव को टाइम में बंगाल में बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे, वो भाग गया डर के मारे कोची। अगर उसको इतना हिम्मत था, उसको फेस करना चाहिए था। शांतनु जी, आपके ऊपर लग रहे हैं, ना केवल आरोपों का खंडन किया जा रहा है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य है, इसे आप कैसे देखते हैं? अच्छा, जो औरत खुद कंप्लेन कर रही है, एक बार नहीं दो बार मोलेस्टेशन हुआ है बोल के कंप्लेन कर रही है, क्या वो झूठ बोल रही है क्या? तो राज्यपाल का अगर इतना हिम्मत है, उसको बोलिए इन्वेस्टिगेशन फेस करे। राज्यपाल को इन्वेस्टिगेशन फेस करना चाहिए, फेस करके सबूत करना चाहिए ये झूठा है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। शांतनु सेन टीएमसी के नेता हैं, जिनकी तरफ से साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले में जो आरोप लग रहे हैं उस पर सफाई देनी चाहिए, जांच में शामिल होना चाहिए।